अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि हमारी स्टडी से रिलेटेड वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचे। हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। मैं प्रियंका यादव स्वागत करती हूँ अपना इस यूट्यूब चैनल पे जिसका क्या नाम है, प्रियंका यादव यूपी पुलिस। स्टूडेंट्स, हम सब पढ़ रहे हैं क्या यूपी पुलिस और यूपी लेखपाल के लिए जीके और जीएस की सीरीज शुरू कर रखी है जिसमें आपको टू द पॉइंट कम समय में अच्छे क्वेश्चन और ज्यादा क्वेश्चन आपको मिलेंगे। सिर्फ 8 से 10 मिनट की वीडियो होती है और सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। तो आइए शुरू करते हैं, अपने सभी क्वेश्चंस कॉपी पेन निकाल लीजिए। और जो बच्चे हमारे चैनल पे नए जुड़ते हैं, जो विद्यार्थी नए जुड़ते हैं हमारे साथी, वो चैनल को सब्सक्राइब पहले जरूर कर लें। इससे ये फर्स्ट से कम 20 सीरीज हम कंप्लीट कर चुके हैं अपनी, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे और शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, किस सम्राट के शासनकाल में भारत का पहला रुपया मुद्रित हुआ? तो पहला कौन सा ऐसा सम्राट था जिसके शासनकाल में पहला जो मुद्रा था रुपया वो मुद्रित हुआ था? कौन थे वो? नन अनदन कौन? शेर शाह सूरी। वही शेर शाह सूरी है जिनके काल में सिक्का प्रणाली मतलब मुद्रा प्रणाली भी शुरू हुई, सिक्का मुद्रा भी शुरू हुआ और उन्हीं ने ग्रांड ट्रंक रोड की स्थापना भी कराई, जीटी रोड, है ना, जो इतना बड़ा रोड है, बताओ सबसे बड़ा रोड है जीटी रोड, ठीक है, उसकी स्थापना उन्होंने ही करवाई। उसके बाद अगली बात करते हैं, शहद का प्रमुख घटक क्या है? अपना सुना होगा ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज, ये सब सुना होगा ना, फॉर्मूला सबका सेम ऐसे 6H12O6, ठीक है। लेकिन जब बात करता है शहद की, कहने का मतलब फलों के रस की बात कर रहा है, तो यहाँ पे आपका आंसर क्या हो जाएगा? फ्रक्टोज, ठीक है। क्या आंसर हो जाएगा आपका? फ्रक्टोज। वो सेम ऐसे ही ऑप्शन देगा आपको, ठीक। अगला क्वेश्चन है कि किसमें कार्बन नहीं होता है? अच्छा, ऑप्शन दे देगा आपको डायमंड, ग्रेफाइट दे देगा, और क्या दे सकता है आपको, कोयला दे देगा, बल्क मिनिस्टर फुलरिन दे देगा, C60, और क्या दे सकता है, किसमें कार्बन नहीं है? अब आप सब सोचेंगे, अरे हीरा तो कार्बन है और ये ग्रेफाइट तो सभी कार्बन ही है, तो ये कार्बन क्यों नहीं है इसमें से, फिर क्या आंसर होना चाहिए इस टाइप से अगर क्वेश्चन आ गया तो? तो आप सबको पता है कि इसमें ये कार्बन नहीं है बल्कि ये एलोट्रॉप ऑफ कार्बन है। क्या आपने पढ़ा होगा 10th की बुक में एक कार्बन का अलग ही चैप्टर है, 10th में ही है शायद, हाँ 10th में ही है, कार्बन का एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, ये इसके अपरूप है। कार्बन के क्या है? अपरूप है। अगर किसी ने सीबीएसई बोर्ड से पढ़ाई की है तो उसमें 10th क्लास की बुक में ही है साइंस की, कार्बन बहुत अच्छा चैप्टर है, बहुत अच्छा, क्योंकि कार्बन इतना अच्छा टॉपिक है, कार्बन पे आप चाहे जितना पढ़ लो इतना टॉपिक है उसमें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वप्रथम सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे पहले सोलर ऊर्जा संयंत्र प्रारंभ किया गया? ये इसका आंसर आपका क्या होगा, थोड़ा सोचो और बताओ, ठीक है। मैं 2 सेकंड का टाइम भी दूंगी कि आप सोच के बताओ, अगर किसी को पता है तो ठीक है, नहीं तो इसका आंसर है अलीगढ़। अलीगढ़ का एक गांव है अलीगढ़ में, हरदुआगंज, ठीक है। 660 मेगावाट का यहां पर। तो अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्या, किस देश की सेना के तात्कालिक सरकार को भंग किया है? किस देश की सेना ने, जो अभी तात्कालिक सरकार थी वो भंग हो गई है, वो कहां की है? सूडान की, ठीक है, याद कर लो सूडान। अगला क्वेश्चन है हमारा, ये जो सूडान है, सूडान में भी आपको उत्तरी सूडान याद रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कि सरकारी स्कूलों में किस कक्षा तक सभी छात्रों को मुफ्त शिक्षा दी है हरियाणा ने? तो आपको बताना है कि हरियाणा ने किस क्लास तक की शिक्षा मुफ्त कर दी है, आपको बताना है, क्या सोच के बताओ? 12th क्लास तक की, ठीक है, क्लास 12th तक की शिक्षा मुफ्त कर दी गई है, ठीक। अगला क्वेश्चन बताओ, अच्छा इसी के साथ आप बताओगे हरियाणा में सीएम कौन है इस समय वहां के, और वहां के राज्यपाल कौन है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन, ध्यान से सुनना, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक पुलिस संगठन इंटरपोल के अध्यक्ष मेंग होंगवई किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं? ध्यान से सुनना, किस देश की यात्रा के दौरान लापता हो गए हैं, ऐसा कहां पे हो सकता है? आंसर
चीन, ठीक है, बड़ी गंभीरता से इसका आंसर लिख लेना, चीन। किस देश की यात्रा के दौरान ये लापता हो गए हैं? चीन। इनसे जवाब मांगा जा रहा है चीन से, चीन की जो सुरक्षा व्यवस्था है, वैसे तो खैर राजनीति, ठीक। तो कहां से? चीन से। ये बहुत शेमफुल बात है। किस देश ने अंतरिक्ष मलबे समन प्रौद्योगिकी के परीक्षण एवं सत्यापन के लिए सीजी यान 21, बात ध्यान से सुना, सीजी यान 21 उपग्रह का सफलता पूर्वक प्रक्षेपण किया है? तो वो क्या है आंसर? नाम से ही पता चल जाएगा, सीजी यान, या ऐसे कौन से देश का नाम हो सकता है? अगेन चीन, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम करते हैं क्या, कौन सा लैंग्वेज पास्कल से प्राप्त सिस्टम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है एवं रक्षा एप्लीकेशन के लिए भी अभीष्ट है? आप उसका आंसर बता सकते हैं, अगर नहीं पता है तो आप लिख लेंगे ADA, ठीक है, ADA। अगला क्वेश्चन, विटामिन सी का सर्वोत्तम स्रोत क्या है? तो आंवला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये शायद क्वेश्चन मैंने पहले भी किसी क्लास में करा दिया था, आंवला वाला। कौन सा अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपको कुछ डेज भी याद करके रखने हैं कि अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस कब मनाया जाता है? 3 दिसंबर को, ठीक है, 3 दिसंबर को मनाया जाता है। अच्छा, 1 दिसंबर को फिर क्या मनाया जाता है, सोच के बताओ। अगला क्वेश्चन, कौन सा कंप्यूटर एनालॉग आउटपुट को डिजिटल फॉर्म में परिवर्तित करता है? तो वो कौन सा हो सकता है? एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है, एनालॉग कंप्यूटर ही इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किसने बंगाल में स्थाई उपनिवेश की शुरुआत की? तो इसका आंसर है लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक है, अच्छा कर रहे हो, लॉर्ड कार्नवालिस, ठीक। अगला क्वेश्चन लिखो, बीसीजी का टीका किस रोग के लिए प्रतिरोधक के रूप में जाना जाता है? बैसिलस कैलमेट ग्यूरिन, कहने का मतलब बीसीजी का जो टीका है वो किसके लिए आता है? तो टीबी के लिए आता है, ट्यूबरोक्लोसिस के लिए आता है। तो आप मुझे बताएंगे विश्व क्षय रोग दिवस, कहने का मतलब टीबी, कब मनाया जाता है, मुझे लिख के बताओ कमेंट बॉक्स में। अगला क्वेश्चन, महात्मा गांधी ने अपना राजनीतिक गुरु किसको माना था? महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो वो कोई और नहीं, गोपाल कृष्ण गोखले, ठीक है। ये गोपाल कृष्ण गोखले ना सिर्फ महात्मा गांधी के ही नहीं, मोहम्मद अली जिन्ना के भी राजनीतिक गुरु रहे हैं, मतलब दोनों के, और दोनों अपोजिट, ठीक है। अगला क्वेश्चन, भारत और श्रीलंका को अलग करने वाली संधि जल राशि जो है उसका क्या नाम है? पाक जल संधि, ठीक है, पाक जल संधि की भी बात कर रहे हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, बास्को डिगामा किस वर्ष कालीकट में उतरा था? ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ये डाटा आपको याद रहते हैं कि नहीं रहते हैं, सन वगैरह थोड़ा बहुत याद करो। तो किस वर्ष रहा था? 1498 की बात कर रहे हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाई जाती है? थारू। काव्या आ गई, काव्या को लेकर आना, भूगा बुआ चिल्ला रही है, आ गई, हाँ आ रही हूँ, मैं भी आ गई। उत्तर प्रदेश में कौन सी जनजाति दीपावली को शोक के रूप में मनाती है? तो वो है थारू, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है कि भारत और ऑक्सीजन की खोज किसने की? आपने 243 वाला कर लिया, पंचायती राज प्रणाली, उसके बाद ऑक्सीजन की खोज की थी प्रीस्टले और शीले ने, 1772 की बात है शायद, एक बार आंकड़े देख लेना, मुझे सन कंफ्यूज हो सकती हूँ, 1772 ही है शायद। अगला क्वेश्चन, तो अगर मेरे सभी क्वेश्चन आपको पसंद आए, अच्छे लगे, और आपको समझ आ रहे हैं कि क्वेश्चन की लेवल क्या है, जिसने एक आध सेट किया होगा, एक आध पेपर दिए होंगे, उसको पता होगा कि सभी क्वेश्चंस कितने अच्छे हैं, सभी क्वेश्चंस आते हैं, तो ठीक है, वीडियो को ज्यादा
तो ठीक है, सभी क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे थे, आप किसी ना किसी पेपर में जरूर ये सभी क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ओके, और जल्दी से सिलेक्शन लें। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।